मैं इनकरेज कर रही हूँ इसलिए ज्यादा सवाल ले रही हूँ, लेकिन कुछ बुजुर्गों का भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। आखिर बुजुर्ग ही बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं। सॉरी। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो हम सवाल करते रहते हैं, लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि अभी तक मेरे सामने कोई कैदी नहीं आया जिसका मैं इंटरव्यू करता और फिर उस पर फ़ख्र करता। और मेरी ये भी खुशकिस्मती है कि मुझे आके कोई ये नहीं बता सकता कि ये जो बंदा है ये लापता है, मगर आपने इससे सवाल जवाब करके इससे ये उगलवाना है कि 9 मई का जो वाक़या हुआ था बहुत गलत हुआ था और मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ। मेरी खुशकिस्मती है, मेरे ख्याल में बतौर सहाफ़ी ऐसे अफसोसनाक मरहले तक पहुंचने से पहले इंसान को या तो वो इदारा छोड़ देना चाहिए या साफ़ छोड़ देना चाहिए। आपका सवाल मेरा हारिस खलीक साहब से है। नहीं, मैं इसका जवाब मगर लूंगी, क्योंकि नहीं मैंने किसी का दाम तो अगर देना चाहते हैं। अभी जवाब मैंने देना है, लेकिन ये तकरीर ना करे। ये सवाल इसने अगर कर दिया, मैंने इसको जवाब देना है। जवाब में दिस इज नॉट ऑन कि आप इल्जामात लगा के और फिर उस तरफ आदिल पहले आई नो ही इज गुड एट दिस, लेकिन हारिस साहब से सवाल पूछ ले आप। मुझे सवाल करने देना। अच्छा, हारिस साहब से सवाल नहीं किया। मैं सदाकत अब्बासी नहीं हूँ। आप तो आई एम नॉट सदाकत अब्बासी। लेट मी स्पीक आदिल। आई विल स्पीक। जुरत करें मुझसे। मैं सदाकत अब्बासी नहीं हूँ, मुझे बात करने दें। आप बैठ जाए। एक सेकंड, मैं बात करती हूँ। बात यह है हारिस खलीक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये आजकल जो लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं, एक तो इनमें ये स्टेक होल्डर्स का इंतखाब कौन करता है? आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि चाहे एकेडीमिया हो तो प्रोफेसर एकेडीमिया के जो नुमाइंदा प्रोफेसर हैं वो एनडीयू से आप बिठा देते हैं, चाहे सहाफ़ी हो तो सहाफ़ियों के नुमाइंदा आप उन लोगों को बिठा देते हैं कि जो एक लापता शख्स के इंटरव्यू करते हैं। और दूसरी बात, अच्छा मैं आखिर में एक सवाल हारिस खलीक साहब, अच्छा मतीउल्लाह साहब, मैं आदिल शाहदेव से बिल्कुल मैं सवाल करूंगा, लेकिन आपसे एक सवाल है मतीउल्लाह साहब, आप मुझे ये बताएं, एक सवाल है वन लाइनर, कि क्या वक्त के साथ साथ ये जो हमारा डिबेट और डिस्कशन है डेमोक्रेसी के ऊपर, क्या इसका मैार गिरा है या नहीं? और क्या इसकी वजह ये नहीं है कि जो डिबेट करने वाले लोग हैं वो सारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं और वो लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत की जड़ें खोखली की हैं? देखिए आप, मैं आप जवाब दे को भी जी। बहुत मुख्तसर में अर्ज करूं कि जो मैार है तमाम डिबेट का पाकिस्तान में और मुकालमे का, वो गिरा है। तो वो जाहिर है, वो ये तो नहीं होगा कि आप एक अलग से एक आइलैंड ऑफ एक्सेलेंस क्रिएट कर देंगे एक सी ऑफ मीडियोक्रिटी में, ये तो मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात ये कि मुझे तो लगता है कि जो ये ILF है या KLF है, ये खासे इंक्लूसिव फेस्टिवल्स होते हैं। क्रिटिक तो हर एक की जा सकती है, लेकिन ये इसमें हर मकतबे फिक्र के और हर तरह के लोग होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि एक अगर जो लोग मिसाल के तौर पर मैं हूँ या आप हैं, मैं अगर फ़र्ज करें कि मैं एक प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी से या प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से अगर मिसाल के तौर पे अगर मेरा ताल्लुक है, तो मैं हल्का अरबाब ज़ौक के किसी शायर को ना बुलाऊं, ये बात भी उतनी गलत है जितनी दूसरी बात गलत है। तो ये मैंने आपको शेर से मिसाल दे दी। बाकी सहाफ़ियों के मामलात आप लोग आपस में तय कर लें, मैं आमिल सहाफ़ी नहीं हूँ। जी आदिल, आप जवाब दे दें, वक्त भी बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं एक तो थैंक यू, मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि मैं सदाकत अब्बासी नहीं हूं, तो उनको ये भी बता दूं कि मैं वो शख्स भी नहीं हूं कि आप बाहर निकल के और माइक आगे पीछे करके नहीं, बाकायदा आप टाइम लें ना, आप टाइम लें, आप उनसे पूछें कि आप विलिंग हैं मुझसे बात करने की या नहीं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि वो खुद बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, इन्होंने ये कैसे डिसाइड कर लिया जज बन के कि वो अंडर ड्यूरस था, वो लापता था? 4 तारीख को एक बंदा मेरे पास आता है, 3 को उसकी जमानत हो चुकी है, बात ख़त्म। मैंने उसका इंटरव्यू किया, उसके कंटेंट पे बात करें, आपको पसंद हो ना हो उस पर बात करें, लेकिन और बहसियत सहाफ़ी इनको ये बात जेब नहीं देती कि मेरा वर्जन लिए बगैर उन्होंने फितवा जारी कर दिया पूरे हॉल में। अच्छा,
ये नहीं होना चाहिए, वो अपने आप को एक बैलेंस सहाफी नहीं कह सकते ये कर। आपने जवाब दे दिया अतर साहब, आप भी और फरजाना भी। मैं 20 आसमा सिर्फ 20 सेकंड और और अगर आदिल शाहजेब की सहाफत जाननी है तो आपको एसपी तायर दावड़ से शुरू करना पड़ेगा, जिसको यहां से उठा के अफगानिस्तान में मारा गया, को किसने पूछा उसका? वो असद कैसर जो आज जेरे अताब है, उसने अली वजीर का प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों नहीं जारी होने दिया? कौन कौन सहाफी बोले थे उस वक्त? बहुत शुक्रिया। मैं खाली आप फरजाना